बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वी आर स्टडीइंग मैथमेटिक्स फॉर क्लास 12 एंड टुडे इज अवर लेसन नंबर 16। इन दिस लेसन वी विल स्टडी एक्सरसाइज 1.4। द टॉपिक इज कंटीन्यूअस एंड डिसकंटीन्यूअस फंक्शन। बट बिफोर स्टडीइंग कंटीन्यूअस एंड डिसकंटीन्यूअस स्टडी फंक्शन, वी विल study one-sided limits. The left-hand limit. Limit of a function when x tend to c minus. C minus का मतलब ये है कि c से पीछे left side से approach करें अगर c को, तो उस function की limit अगर l हो. That is limit of a function f of x when x tend to c from the left side. ये c के ऊपर जो minus sign है ये indicate करता है कि c से left side से अगर c को approach करें तो और वो value l के equal आए, then is read as the limit of f of x is equal to l as x approaches c from the left. That is for all x sufficiently close to c but less than c, the value of f of x can be made as close as we please to l. To left hand limit ko is tarah denote karte hain, limit of the function when x tend to c. Left hand limit ke liye jo bhi number hoga uske upar minus ka sign dal denge aur us function mein ye wali value put karenge to wo hogi uski left hand limit. राइट हैंड लिमिट, लिमिट ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेस सी प्लस एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू एम इज रेड एज द लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम एज एक्स अप्रोचेस सी फ्रॉम द राइट. दैट इज फॉर ऑल एक्स सफिशिएंटली क्लोज टू सी बट ग्रेटर देन सी, द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स कैन बी मेड एज क्लोज एज वी प्लेस टू एम. तो इसका मतलब राइट हैंड लिमिट को अगर आपने शो करना है तो जिस पॉइंट पे आपने, जिस नंबर पे आपने उस फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करनी है और वो राइट हैंड लिमिट है तो उस नंबर के ऊपर प्लस का साइन डाल देंगे, ये इंडिकेट करेगा कि ये उसकी राइट हैंड लिमिट है. माइनस का साइन डालने से लेफ्ट हैंड लिमिट, प्लस का साइन डालने से राइट हैंड लिमिट है कि उस नंबर, मसल 2 है, 2 से पीछे से अगर आप अप्रोच करें 1.9999 जो कि 2 के करीब है तो वो लेफ्ट साइड से है ना, और 2.0009 से आप पीछे को आए 2 की तरफ तो वो राइट साइड से है. क्राइटेरिया फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ऑफ अ फंक्शन, किसी भी फंक्शन की लिमिट किसी पॉइंट पे कब एग्जिस्ट करेगी, उसके लिए एक थ्योरम है जिसको कहते हैं क्राइटेरिया फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ऑफ अ फंक्शन. दैट इज इफ लिमिट ऑफ अ फंक्शन व्हेन एक्स टेंड टू सी इज इक्वल टू एल, यानी इस फंक्शन की लिमिट इस पॉइंट पे जो भी आएगी वो इफ एंड ओनली इफ उस फंक्शन की लिमिट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड और उस फंक्शन की लिमिट फ्रॉम राइट हैंड साइड जो है वो एल के इक्वल होगी. यानी किसी भी फंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और उस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी, दोनों का आंसर सेम होगा. अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर सेम नहीं है तो फिर उस फंक्शन की लिमिट उस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करती. सो दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर अ शॉर्ट क्वेश्चन. आपसे इनकी डेफिनेशन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है. वट इज द लेफ्ट हैंड लिमिट, वट इज द राइट हैंड लिमिट, और स्टेट द क्राइटेरिया फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ऑफ अ फंक्शन. कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट. कंटिन्यूस फंक्शन, डिफाइन करें कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या होता है. A function f is said to be continuous at a number c if and only if the following three conditions are satisfied. f of c is defined. f of c का मतलब है उस function की value उस point पे defined हो, real value आए. दूसरा ये कि उसकी limit exist करती हो. limit कब exist करेगी, जब उसकी left hand limit और right hand limit equal होगी.
और तीसरा ये कि उस फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू सी और उस फंक्शन की लिमिट व्हेन x टेंड टू सी दोनों इक्वल हो, ये तीनों कंडीशंस अगर एक फंक्शन सेटिस्फाई करता है तो वो वाला फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन होगा। अगर इनमें से कोई सी भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो फिर वो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा, ऐसे फंक्शन को हम डिसकंटिन्यूस फंक्शन कहते हैं। इफ वन और मोर ऑफ द थ्री कंडीशंस फेल टू होल्ड एट सी देन द फंक्शन एफ इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूस एट सी। अगर पहली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं करती तो अगली दो जो है वो हम उसको छोड़ देंगे और यहीं पे कह देंगे कि फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। अगर फर्स्ट कंडीशन डिफाइंड है, एग्जिस्ट करती है तो सेकंड कंडीशन को चेक करेंगे। सेकंड कंडीशन को चेक करने के लिए हमने इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी है। अगर वो दोनों लिमिट्स इक्वल होंगी तो फिर सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई होगी और फिर इसी तरह थर्ड कंडीशन। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो फिर वो फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन होगा। तो इस कंटिन्यूस फंक्शन के क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज 1.4 में है, ये वाले क्वेश्चंस अब हम सॉल्व करते हैं। दीज आर आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। आपसे कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन पूछी जा सकती है शॉर्ट क्वेश्चंस में। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। डिटरमाइन द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एंड देन फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन व्हेन x टेंड टू c। ये तीन पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, हम 1 by 1 इन तीनों पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट is f of x equal to 2x2 plus x minus 5 और इसकी continuity हमने check करनी, sorry इसकी right hand और left hand limit find out करनी है when x is equal to c। so limit इसकी left hand limit x tend to 1 था ना, तो left hand limit के लिए इसके ऊपर minus sign डाल देंगे। इस function की limit 2x2 plus x minus 5 is equal to, कैसे find करना है, सिर्फ हमने इस function में जहां जहां x है उसकी जगह पे 1 replace कर देना है जैसे हम पहले करते आए हैं। 2 into 1 square plus 1 minus 5, so this is 2 plus 1 minus 5 and this is equal to minus 2। अब हम इसकी right hand limit find out करेंगे। right hand limit का मतलब है हम लिखेंगे limit of the function which is this when x tend to 1 plus का मतलब है कि ये राइट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसकी लिमिट फाइंड करने के लिए हम इसमें x को 1 से रिप्लेस कर देंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास माइनस 2 आ गया। सो इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस 2, इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट भी माइनस 2 है। तो अप्लाइंग द क्राइटेरिया फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन, बिकॉज इट्स लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट्स आर इक्वल, देयरफॉर limit of this function exists and this is equal to minus 2. Second part is this x square minus 9 x minus 3. To isme value put karein x limit x tend to minus 3, ye minus 3 pe iski limit find karni hai aur left or right, तो माइनस 3 के ऊपर माइनस साइन का मतलब है ये इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट हम फाइंड आउट कर रहे हैं। इसमें वैल्यूज जब हमने पुट की तो हमारे पास 0/-x आ गया। देखें डायरेक्ट लिमिट पुट करने से 0/0 फॉर्म नहीं आती, अगर 0/0 फॉर्म आ जाती तो फिर हम इसको फैक्टराइज कर लेते। अब डायरेक्ट लिमिट माइनस 3 पुट करने से 0/-x है और 0/-x जो है वो 0 के इक्वल होता है। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट 0 और इसकी राइट हैंड लिमिट माइनस 3 प्लस, उसी तरह इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करने से हमारे पास 0/-6 आ गया विच इज अगेन 0, बिकॉज द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन आर इक्वल विच इज इक्वल टू 0, देयरफॉर लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एग्जिस्ट और वो जो लिमिट है वो क्या होगी, हेंस लिमिट ऑफ दिस फंक्शन व्हेन x टेंड टू माइनस 3 इज इक्वल टू 0। Now its third part is this, which is absolute function. इस absolute function को हम लिख सकते हैं इस तरह, f of x is equal to x minus 1 absolute equal to, इस function को इसके अंदर plus हो या minus हो,
इसकी वैल्यू प्लस होगी जब x ग्रेटर देन 5 होगा। देखिए इसमें x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 पुट करने से आंसर क्या आता है, पॉजिटिव। एंड दिस इज इक्वल टू नेगेटिव व्हेन x इज लेस देन 5। तो अब ये दो फंक्शंस हैं, x ग्रेटर देन 5 और x लेस देन 5। तो हम इस तरह के जब पीस वाइज फंक्शंस होते हैं तो उनमें वो वाला फंक्शन यूज करते हैं जो x की ग्रेटर वैल्यू के लिए डिफाइंड होता है, वो यूज करते हैं राइट हैंड लिमिट के लिए, और जो x की स्मॉलर वैल्यू के लिए डिफाइंड होता है उसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट यूज करने के फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, x 5 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमने इन दोनों में से कौन सा फंक्शन यूज करना है, वो जो x की उन वैल्यूज के लिए डिफाइंड है जो 5 से कम है। 5 से कम तभी होगी ना, लेफ्ट हैंड लिमिट तभी होगी जब हम 5 से लेफ्ट साइड पे जो नंबर्स हैं उन पे उसकी लिमिट फाइंड आउट करें। तो 5 माइनस के लिए x की वो वैल्यू जो 5 से लेस है वो ये वाला फंक्शन उन वैल्यू पे डिफाइंड होता है। तो इनमें हम x को 5 से रिप्लेस कर देंगे, माइनस 5 जीरो हो गया, और इसकी राइट हैंड लिमिट वो वाला फंक्शन लेंगे जो x की उन वैल्यूज के लिए डिफाइंड है जो 5 से ग्रेटर है। तो 5 से ग्रेटर के लिए कौन सा फंक्शन जो है वो डिफाइंड है, ये वाला फंक्शन। तो इस फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करेंगे व्हेन x टेंड टू 5, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और इसकी राइट हैंड लिमिट दोनों सेम है, इक्वल है, तो इसलिए इस फंक्शन की जो लिमिट है व्हेन x टेंड टू 5 दैट इज इक्वल टू 0। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अब यहां पे इस क्वेश्चन में कहा है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी। अब सी इस केस में 2 है, यानी हमने इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। कंटिन्यूस फंक्शन अभी पीछे हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर वो तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, उसकी इस पॉइंट पे वैल्यू एग्जिस्ट करती हो, उसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इस पॉइंट पे इक्वल हो, और लिमिट और वैल्यू जो है वो दोनों इक्वल हो, तो फिर इस ये वाला फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन होगा। अब देखें ये वाला जो फंक्शन है वो x लेस देन 2 के लिए और x इक्वल टू 2 के लिए डिफाइंड है। तो हमने क्या करना है, वी हैव टू डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2। तो पहली कंडीशन क्या है कि हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे व्हेन c इज इक्वल टू 2 या x इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 2 के लिए कौन सा फंक्शन है, ये वाला। तो इस वाले फंक्शन में हम x की जगह पे 2 रिप्ले पुट कर देंगे तो वो हमारी वैल्यू आ जाएगी इस फंक्शन की व्हेन x इज इक्वल टू 2। सो f of x ये, और f of 2 इस वाले फंक्शन में हमने ये वैल्यू पुट करनी है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 5, 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9। तो ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई। सेकंड कंडीशन ये है कि इसकी लिमिट एट x टेंड टू 2 एग्जिस्ट करती हो। लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए हमने इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन, जो वो वाला फंक्शन लेना है जो x की उन वैल्यूज के लिए डिफाइंड है जो 2 से कम हो। तो 2 से स्मॉलर वैल्यूज के लिए जो फंक्शन है वो ये वाला है। तो इस वाले फंक्शन में की लेफ्ट हैंड लिमिट व्हेन x टेंड टू 2 फाइंड कर लेंगे। इस फंक्शन में x की वैल्यू पुट करेंगे 2 और इसका आंसर जो है वो हमारे पास 9 आ गया। और इसकी राइट हैंड लिमिट का मतलब है हम वो वाला फंक्शन लेंगे जो x की उन वैल्यूज के लिए डिफाइंड है जो 2 से ग्रेटर है। तो 2 से ग्रेटर वैल्यूज के लिए जो फंक्शन है वो ये वाला फंक्शन है, 4x plus 1। तो राइट हैंड लिमिट लेने के लिए हम जो फंक्शन कंसिडर करेंगे वो 4x plus 1 होगा। इस फंक्शन में x को 2 से रिप्लेस कर दें तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो फिर 9 आ रहा है। सो इट मीन्स कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है। अगर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है तो इसका मतलब है इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है एट x इज इक्वल टू 2, और वो लिमिट कौन सी है, 9। तो ये दूसरी कंडीशन हो गई। थर्ड कंडीशन में ये था कि इसकी वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2 और इसकी लिमिट एट x व्हेन x टेंड टू 2
सेम होनी चाहिए। तो इस इक्वेशन नंबर वन में देखें एफ ऑफ टू 9 के इक्वल है और इस फंक्शन की लिमिट व्हेन एक्स टेंड टू 2 इज आल्सो 9। तो थर्ड कंडीशन में क्या हुआ, लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन एक्स टेंड टू 2 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2 आर इक्वल। तो कंडीशन नंबर वन भी सेटिस्फाई करती है क्योंकि इस फंक्शन की वैल्यू व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2 डिफाइंड है, इसकी लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट इक्वल है तो इसकी फंक्शन इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, और तीसरी कंडीशन उस फंक्शन की लिमिट व्हेन एक्स टेंड टू 2 और उस फंक्शन की वैल्यू व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2 इक्वल है। तो चूंकि ये तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है इसलिए ये वाला जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू 2। दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। अब इस क्वेश्चन में ये तीन फंक्शंस हैं और इसकी कंटिन्यूटी हमने चेक करनी है व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1। एफ वन के लिए क्या होता है, देखें ये एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 1 पे इस फंक्शन ये वाला फंक्शन इस फंक्शन से डिफाइंड कांस्टेंट फंक्शन 4 से डिफाइंड है, इसका मतलब एफ ऑफ 1 जो है वो 4 के इक्वल आ गया, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। लिमिट ऑफ दिस फंक्शन व्हेन एक्स टेंड टू 1, तो इसके लिए लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम वो वाला फंक्शन लेंगे जो एक्स की उन वैल्यूज के लिए डिफाइंड है जो 1 से कम है, लेस है। तो 1 से लेस के लिए ये वाला फंक्शन 3x-1, इसमें एक्स को 1 से रिप्लेस करने से हमारे पास इसका आंसर 2 आता है, और इसकी राइट हैंड लिमिट के लिए हमने वो वाला फंक्शन लेना है जो एक्स की उन वैल्यूज के लिए डिफाइंड है जो 1 से ग्रेटर है। तो 1 से ग्रेटर एक्स ग्रेटर देन 1 जो है वो ये वाला फंक्शन है 2x। तो 2x में x को 1 से रिप्लेस करने से हमारे पास आंसर 2 आ गया। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और इसकी राइट हैंड लिमिट दोनों सेम है, अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल है तो इसका मतलब है इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है व्हेन x टेंड टू 1 एंड वो लिमिट जो है वो 2 के इक्वल है। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है आपकी, और तीसरी कंडीशन ये है कि इसकी वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू 1 और इसकी लिमिट व्हेन x इज इक्वल टू 1 जो है वो सेम होनी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 से हमने देखा कि इसकी लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन x टेंड टू 1 इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन व्हेन x इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला फंक्शन व्हेन x इज इक्वल टू 1 पे कंटीन्यूअस नहीं है, हेंस f ऑफ x इज नॉट कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, या आप ये कह सकते हो कि f ऑफ x इज अ डिसकंटीन्यूअस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी कंटिन्यूटी आपने इसकी डिस्कस करनी, यानी ये शो करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस। दो क्वेश्चन है यहाँ पे भी, एक आपने x इज इक्वल टू 2 के लिए और एक x इज इक्वल टू माइनस 2 के लिए इसकी कंटिन्यूटी को चेक करना है। ये बिल्कुल उसी तरह ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था। तो पहले हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं x इज इक्वल टू 2 पे। तो x इज इक्वल टू 2 के लिए हमने इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस फंक्शन की वैल्यू के लिए हम इक्वल टू ये देखें x इज इक्वल टू 2 के लिए ये वाला फंक्शन x ग्रेटर देन 2 और इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू की फंक्शन जो है वो इस वैल्यू इस फंक्शन से डिफाइंड है जो कि 3 है, चूंकि इसमें x शामिल नहीं है तो इसलिए f ऑफ 2 पे इस फंक्शन की वैल्यू 3 आएगी। अब इसकी लिमिट फाइंड करेंगे, उसके लिए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए वो वाला फंक्शन लेंगे जो x की उन वैल्यूज के लिए डिफाइंड है जो 2 से कम है। तो 2 से कम कौन सी है, x लेस देन 2 ये है, x लेस देन 2 ये है। तो x लेस देन 2 के लिए ये वाला फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये लेंगे और इसमें x की जगह पे 2 पुट करेंगे और उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा 3। और फिर राइट हैंड लिमिट के लिए वो वाला फंक्शन लेंगे जो x की उन वैल्यूज के लिए डिफाइंड है जो 2 से ग्रेटर है। तो वो कौन सा फंक्शन है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो ये वाला फंक्शन विच इज 3। तो इस फंक्शन में भी चूंकि x नहीं है तो इसलिए 2 की वैल्यू जब पुट करेंगे तो आंसर 3 ही आएगा। तो अब ये देखें इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम है, जब ये दोनों लिमिट सेम है तो इसलिए
इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है व्हेन एक्स इज इक्वल टू टू, और वो लिमिट किसके इक्वल है, थ्री के इक्वल। और चूंकि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में से वैल्यू ऑफ द फंक्शन व्हेन एक्स इज इक्वल टू टू एंड लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन एक्स टेंड टू टू आर बोथ सेम, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू टू। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये बाज दफे एक एक्स इज इक्वल टू टू के लिए, बाज दफे दोनों के लिए लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। अब एक्स इज इक्वल टू माइनस टू के लिए इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। एफ माइनस टू इक्वल टू माइनस टू ये है, एक्स इज इक्वल टू माइनस टू पे ये वाला फंक्शन है थ्री एक्स, तो 3x में x को 2 से रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास माइनस सिक्स आ जाएगा। लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन x टेंड टू माइनस टू ये फाइंड करनी है, तो इसके लिए इसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए वो वाला फंक्शन जो x की उन वैल्यूज के लिए डिफाइंड है जो माइनस टू से कम है, तो माइनस टू से कम कौन सी कौन सा फंक्शन है, ये वाला x इज लेस देन और इक्वल टू माइनस टू 3x, 3x में माइनस टू पुट करेंगे तो माइनस सिक्स आ जाएगा। और लेफ्ट राइट हैंड लिमिट के लिए वो वाला फंक्शन लेंगे जो x की उन वैल्यूज के लिए डिफाइंड है जो x माइनस टू से ग्रेटर है, तो माइनस टू से ग्रेटर कौन सी वैल्यूज है, ये वाला फंक्शन x ग्रेटर देन माइनस टू, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन में x को माइनस टू से रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस सिक्स है और इसकी राइट हैंड लिमिट थ्री है, तो इसका मतलब है कि सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एंड राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन इज नॉट इक्वल, देयरफॉर इट्स लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एट व्हेन एक्स टेंड टू माइनस टू डज नॉट एग्जिस्ट। तो सेकंड कंडीशन चूंकि सेटिस्फाई नहीं करती इसलिए थर्ड कंडीशन के लिए हमें जाने की जरूरत नहीं है, तो हम यहीं पर कह देंगे कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू। वैसे भी चूंकि ये इसकी लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट सेम नहीं है तो इसलिए इसकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर थ्री, बाकी जो क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट लेसन में सॉल्व करेंगे। दिस इज माई प्रोफाइल, कीप डूइंग प्रैक्टिस बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स नॉलेज परफेक्ट। Thank you for watching and Allah Hafiz.